हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रही है आप सभी की लाइफ पढ़ाई। तो आ गई है वो वीडियो जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, एल्कोहल फिनोल एंड इथर का वन शॉट। इस वन शॉट में इस पूरे चैप्टर की फुल रिविजन करेंगे हम, सारे के सारे जो भी इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है। दो ढाई घंटे की जितनी भी देर की ये वीडियो है, ये आपको हेल्प करेगी इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेने में। वैसे मैंने पूरे चैप्टर का एक एक टॉपिक भी पब्लिश कर दिया है, वो आप लोग देख सकते हो। बेस्ट ये भी रहेगा कि पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लो, आपको आइडिया हो जाएगी क्या कुछ है, फिर उनको डीप में पढ़ लो, आप पे डिपेंड करता है। और जो बच्चे सारी की सारी वीडियो देख के आ रहे हैं वो अपना इसको देखें, फिर अपनी आपकी रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। सब कुछ देखेंगे, चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है, एल्कोहल फिनोल एंड इथर, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे वो डिस्कस करना है। देखिए, अल्कोहल को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। कैसे बनता है कि आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसमें हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के वहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो अल्कोहल बन गया। अब बात करते हैं फिनोल की। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जब OH लगा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। ये कब बनता है? जो बेंजीन है, बेंजीन से आप एक H हटा दो और वहां पे क्या लगा दो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो आपका क्या बन गया, फिनोल बन गया। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इथर्स की। इथर्स क्या होते हैं? आपके पास एक एल्कोहल है, उसमें अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दो किसी अल्काइल ग्रुप से, तो आपका क्या बन जाएगा, इथर बन जाएगा। वैसे वन शॉट हम हैलोकेन एंड हैलोरिंस का भी कर चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री का भी कर चुके हैं, आप लोग देख लेना उन्हें भी। तो ये है अल्कोहल फिनोल एंड इथर। सबसे पहले जो जरूरी बनता है, टाइप्स ऑफ अल्कोहल, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हम देखेंगे वो वाला जिससे रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर बनी हुई है बात। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, जिसे आप लोग बोल सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल। फिर बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। फिर बनता है टर्शरी अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? जब कार्बन के ऊपर लगा होता है OH। क्या होता है अल्कोहल? जब कार्बन के साथ लगा हो, OH लगा हो, क्लियर है। अब इसे प्राइमरी कब कहेंगे? जब इस कार्बन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ हो, बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो। ये कार्बन की चेन जितनी मर्जी बड़ी लंबी हो सकती है, बट जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, अगर वो कार्बन एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो वो प्राइमरी है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वो 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो ये सेकेंडरी है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वो 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। यही होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी से रिलेटेड बना हुआ है। प्राइमरी किसे कहते हैं? जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वो एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। सेकेंडरी किसे कहते हैं? अगर वो 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। टर्शियरी किसे कहते हैं? जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, क्लियर है। बाकी इनमें ऐसा भी होता है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहेंगे? भाई कार्बन कार्बन की एक चेन है और उस पे एक OH लगा हो। डाईहाइड्रिक किसे कहेंगे हम? कार्बन कार्बन की चेन में अगर 2 OH लगे हो। ट्राईहाइड्रिक कहा जाता है कार्बन कार्बन की एक चेन है और उसपे 3 OH ग्रुप लगे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे, क्लियर। एलाइलिक अल्कोहल आपको पता ही होगा, एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? एलाइल वर्ड का मीनिंग भी होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से, अगर नेक्स्ट कार्बन से OH जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जब OH जुड़ता है तो उसे कहते हैं एलाइल। एक बात मैं बताता चलूं, मैं इन कार्बन के बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ पूरे नहीं कर रहा हूं, ये आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, बड़ा टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है, ये आप लोग खुद मान के चलोगे। आपके पास आते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल किसे कहेंगे? बेंजीन
के साथ कार्बन लगा है और उसके साथ अगर OH लगा है। बेंजीन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है OH का, अगर डायरेक्ट बॉन्ड होगा तो उसे फिनोल बोलेंगे। बेंजीन के साथ कार्बन और फिर कार्बन के साथ OH है तो उसे बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। होती है बात क्लियर। चलो अगली बात देखें तो इस्थर्स के भी एक दो टाइप रहते हैं, बहुत सारे टाइप है, मैंने करवाए भी हुए, सभी के बहुत सारे टाइप एक्सप्लेन कराए हैं, अभी रिवीजन में जो इम्पोर्टेंट है वो करते हैं। इथर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल इथर। इथर किसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के बॉन्ड कार्बन के साथ लगे हों। सिमेट्रिकल क्या है कि अगर दोनों तरफ सेम जैसे कार्बन लगे हो, सेम एल्काइल ग्रुप लगे हो, लाइक CH3O CH3, ये है सिमेट्रिकल इथर। अब अगली बात करते हैं अनसिमेट्रिकल इथर की किसे कहोगे? नाम से क्लियर है, सिमेट्री ना हो, एक जैसे ना हो, ओ एक तरफ दो कार्बन हो जाए, एक तरफ एक कार्बन हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सिमेट्री ना हो, एक जैसे ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? अनसिमेट्रिकल इथर बोलते हैं। तो यही है पहले स्टार्टिंग वाला जो क्लासिफिकेशन है, जल्दी से इसे देख लीजिए। तो अभी बात करते हैं बॉन्ड एंगल एंड आइसोमर्स के अंदर। यह है देखिए आपका अल्कोहल की अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो वो होता है अभी 108.9 डिग्री। यह है फिनोल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री। एंड यहां पे ये है हमारे पास इथर में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है 111.7 डिग्री, 111 डिग्री 7 मिनट ऐसा होता है। अगर इन सभी में देखिए ऑक्सीजन का बॉन्ड इसमें कार्बन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ भी है। एक्चुअल में ये जो इनकी क्या लीजिए ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री सभी की क्या बनने वाली है? टेट्राहेड्रल बनने वाली है। क्यों बनने वाली है टेट्राहेड्रल बताऊं मैं आपको, क्योंकि इनके पास दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, टोटल चार हुए और चार की वजह से इनकी ज्योमेट्री क्या होगी भाई? टेट्राहेड्रल होगी। देख लो दो बॉन्ड बना रखे हैं ऑक्सीजन ने और दो दो लोन पेयर बचे हुए हैं। अब एक बात होती है, अब बॉन्ड एंगल जो रहता है टेट्राहेड्रल के अंदर वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, प्योर टेट्राहेड्रल अगर शेप होगी तब ये बात बनेगी, बट ये प्योर नहीं है, कुछ इसमें लोन पेयर आ गया। अब फिर इसमें क्या आएगा? रिपल्शन वाला फंडा रहेगा। अगर आपको पता हो सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर के बीच में, फिर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर होती है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यहाँ पे लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो जो बॉन्ड पेयर पास पास आ जाते हैं, तो इस वजह से 108.9 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। कोई जो दोनों ग्रुप है ये बहुत हल्के हैं। यहां पे बात करें तो लोन पेयर ज्यादा रिपेल नहीं कर पाते। क्यों नहीं रिपेल कर पाते? कुछ यहाँ पे जो ग्रुप लगा है ये ग्रुप बहुत भारी है, ठीक है, ये ग्रुप क्या है? बहुत भारी है, मतलब मॉलिक्यूल बहुत हैवी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फंडा उल्टा हो गया। हर बार लोन पेयर रिपल्शन होती थी, बट यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गया है। बॉन्ड पेयर की रिपल्शन लोन पेयर से ज्यादा है, तो बॉन्ड पेयर जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनका बॉन्ड एंगल कितना बन गया? 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री, क्लियर है, या 111 डिग्री 7 मिनट। अब अगली बात करें आइसोमर की। आइसोमर पहले हम बात कर लेते हैं इन एल्कोहल। एल्कोहल में कौन से आइसोमर शो किए जाते हैं? एल्कोहल के अंदर चार आइसोमर शो होते हैं भाई, कौन कौन से? फर्स्ट इज चेन, सेकंड इज पोजीशन, थर्ड इज फंक्शनल, एंड लास्ट और इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमर की 11th में पूरी इम्पोर्टेंट वीडियो बनी हुई है आइसोमर की, देख सकते हो आप लोग। अब देखो चेन आइसोमर क्या होता है, जिसमें चेन डिफरेंट होगी, क्लियर है भाई, अल्कोहल जुड़ा होगा वो सीधी चेन से जुड़ा हो सकता है, वो ब्रांच चेन से भी जुड़ा हो सकता है। पोजीशन आइसोमर की बात करें तो जिसमें पोजीशन डिफरेंट होने वाली है, लाइक इसमें अल्कोहल की बात करें फर्स्ट पोजीशन पे है, इसमें बात कर लें तो ये किस पोजीशन पे आ गया? सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो ये है पोजीशन आइसोमर किसका? अल्कोहल का। फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं?
बताइए जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर होता है ना वो होता है इथर, और इथर का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है अल्कोहल। मतलब अल्कोहल से आप इथर बना सकते हो, इथर से आप लोग अल्कोहल बना सकते हो। जैसे कि आपके पास ये है CH3 CH2 OH, क्लियर। अभी यहां पे CH3 O CH3, ये क्या है अल्कोहल है और ये क्या है इथर है। ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड कार्बन से बने हैं ना। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर किसमें बनते हैं, जब काइरल कार्बन हो। काइरल कार्बन किसे कहते हैं, जिसके सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप पूरे कर रहे हो, ठीक है। OH हो गया, H हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, ये कार्बन जो है काइरल है। कैसे कह सकते हैं इसकी चारों वैलेंसी जो है अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब जब आप इसकी इमेज बनाओगे, मिरर इमेज जब बनाओगे तो वो अलग बनेगी, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका ऑप्टिकल आइसोमर। और देखो ना अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, तो अल्कोहलिक ग्रुप शो कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल नहीं शो कर सकते, क्योंकि प्राइमरी में क्या होगा, दो बॉन्ड तो हाइड्रोजन से पूरे होंगे। अगली बात करें आइसोमेरिज्म इन इथर्स। इथर्स इथर्स में क्या था आइसोमेरिज्म होता है, इथर्स में तीन तरह के आइसोमर होते हैं, आइसोमेरिज्म हो सकता है। कौन कौन सा भाई, फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज मेटामर्स होते हैं इनमें, पोजिशन नहीं, मेटामर्स, एंड लास्ट इज फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल तो अभी मैंने आपको बताया, इथर्स का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, अल्कोहल होगा। इथर्स का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, अल्कोहल होगा। चेन की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास एक इथर है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 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 कार्बन। अब इसको देखें, कार्बन ऑक्सीजन ये हो गया। अब आप इसका फॉर्मूला देखोगे वो सेम बनेगा, बट देखो अच्छा इसमें ना एक तरफ आप एक ही जैसा लगा के रखोगे, लाइक ऑक्सीजन की इस तरफ एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, इस तरफ की चेन को आप डिफरेंट कर लो। मेटामर्स क्या होता है, जिसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप या नंबर ऑफ कार्बन वो डिफरेंट होंगे। लाइक इसमें देखो ऑक्सीजन के दो हैं, इसमें तीन है, इसमें क्या कर दो एक कर दो, इस तरफ क्या कर दो चार कर दो। तो ये होते हैं मेटामर्स, क्लियर है। मेटामर्स में क्या होता है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं या नंबर ऑफ कार्बन लगे होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ये है आइसोमर। फंक्शनल बताने की जरूरत तो नहीं है, अभी बताया तो CH3 O CH3, ये इथर है और ये CH3 CH2 OH, ये क्या है अल्कोहल है। इथर का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई भाई। चलिए अभी देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अल्कोहल को बनाने के लिए जितने भी तरीके हम देखेंगे, पहला है फ्रॉम हैलोजन्स, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसमें एसिडिक हाइड्रेशन आएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, एंड फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। ये सारे तरीके हैं किसको बनाने के, अल्कोहल को बनाने के। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से, जो कि है हमारा फ्रॉम हैलोल्केन्स। हैलोल्केन्स क्या होता है भाई, आर एक्स की रिएक्शन आप करा सकते हो KOH के साथ, NaOH के साथ, AgOH के साथ, ठीक है ना। तो करो तो क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, ये X की जगह कौन जाएगा, OH जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास R OH, एन प्लस में क्या बनेगा KX। मैं क्या कह रहा हूं आपको, R की जगह आप कार्बन ले लो CH3, और हैलोजन कौन सा ले लो, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, I, इसकी रिएक्शन आप करवा सकते हो NaOH के साथ। तो क्या होगा, ये I ये OH एक दूसरे की जगह पे जाएंगे, क्या बनेगा ये CH3 OH, एक्चुअल में तो अल्कोहल बनाना है ना, और प्लस में NaI, या फिर आप लोग ले सकते हो C2H5 Br प्लस में KOH, इस Br की जगह कौन जाएगा,
OH जाएगा, ये क्या बन गया C2H5OH एंड प्लस में क्या बन जाएगा KBr बन जाएगा। और ये है हमारा अल्कोहल को बनाने का तरीका। अब यहां पे आप कौन से हैलोकेन लोगे, प्राइमरी सबसे बेस्ट है। रीजन क्या है, सेकेंडरी टर्शियरी में क्या होने लग जाती है, वो एल्कीन्स बनाना प्रेफर करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और आगे है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन वर्ड बहुत आएगा, तो रिडक्शन के लिए आपको याद होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे। वो कौन कौन से हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दो तीन आपको फिक्स याद रखने हैं। बड़ा फेमस है एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, जहां पे ये आ जाए, या फिर सिंपली कई जगह लगा होता है LaH, मतलब वहां पे रिडक्शन होगी। इथेनोलिक सोडियम C2H5OH एंड Na, जहां पे ये लगा लीजिए वहां पे भी क्या होगी, रिडक्शन होगी। हाइड्रोजन हो H2 हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, तब भी क्या होगी, रिडक्शन ही होगी। क्लियर, जैसे कि आपको दे रखा है भाई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, यहां पे आपने कोई सा रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, कोई सा भी डाल दिया, लाइक आप यहां पे डाल लो H2, तो क्या होगा, ये डबल सिंगल में बदलोगे, ये क्या बन जाएगा सी, इधर एच एच, ये ओ, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां, OH बन गया। ये तो एल्कोहल है, एल्कोहल तो बनाना है। नेक्स्ट बात करें, अगर आपके पास है दूसरे वाला एल्डिहाइड, कैसे, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे लगा है CH3H, इसकी रिडक्शन कर दो, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल डाल दो, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या होगा बताइए, ये है C, ये है O, यहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है CH3H, तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहां पे क्या डाल दोगे, यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे H लग जाएगा, यहां पे भी H लग जाएगा। अगर आपके पास मान के चलो कीटोन है, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिडक्शन करो H2 विद निकल, क्या होगा, एक H इधर लग जाएगा, एक H इधर लग जाएगा, ये CH3, ये O, यहां पे भी H, और यहां पे भी क्या लग गया, H लग गया। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये 0 डिग्री, या इसको प्राइमरी कहोगे, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, सारे के सारे अल्कोहल बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका रहता है वो रहता है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सबसे बेस्ट कौन सा रहता है भाई, ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला रहता है। आगे बढ़ते हैं, वो अभी ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो हमने देखना ही है। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या करो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां पे आप डाल दो LiAlH4 बेस्ट है, या फिर डाल दो आप इथेनोलिक सोडियम C2H5OH एंड Na। तो फोकस करना, मैं बता रहा हूं होगा क्या, यहां से OH टूटेगा, इसके साथ H जुड़ेगा, वो बनेगा H2O, क्या बनेगा H2, और यहां पे ये आर सी ओ, ठीक है। अब जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदल गया, देखो इसको भी बहुत लॉस हुआ है, इसको भी लॉस हुआ है, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और इसके पास क्या आ देंगे, दो हाइड्रोजन आ देंगे। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप हाइड्रेशन रिडक्शन करोगे तो उसको OH बाहर निकलेगा, H2 बनेगा, और बाकी जो बॉन्ड पूरे किए जाएंगे वो पूरे किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। मैं क्या कह रहा हूं आपको, देखिए जैसे आपके पास ये है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आपने डाल दिया इथेनोलिक सोडियम Na C2H5OH, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला इस OH के साथ H जोड़ो तो क्या बन गया H2O, और यहां पे ये CH3 सी ओ बॉन्ड पूरे कर दो ना सबके, हाइड्रोजन 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 बन गया अल्कोहल। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हो, देखो ये आपकी हेल्प करेगा कन्वर्जन में भी, थोड़ा सा डीप में समझना रिएक्शंस को। आपको कभी बोल दिया जाए कि कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू इथेनॉल, इथेनोइक एसिड इनटू इथेनॉल कैसे बनाओगे, ये तरीका है इथेनोइक एसिड से इथेनॉल बनाने का। इसका उल्टा भी किया जा सकता है,
फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालेंगे, फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं। होता है क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है भाई हमारे पास क्या, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मतलब अगर मेरी पर्सनल फेवरेट ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, क्यों है ये पर्सनल फेवरेट? बिकॉज आप इससे प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हो, सेकेंडरी भी बना सकते हो और टर्शियरी भी बना सकते हो। देखिए अगर कभी आपको मान लो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तब क्या करोगे, अगर कभी आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तब क्या करोगे? ध्यान से समझना बस बात को, तीन चार मिनट की बात है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको कभी टर्शियरी अल्कोहल बनाना है, अच्छा अगर मैं R लेता हूं, R मतलब वो एल्काइल ग्रुप है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं? RMGF। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है और ये जो बॉन्ड होते हैं पोलर होते हैं। इस केस में कार्बन पे नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होता है, ये मैं आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल करो, प्राइमरी अल्कोहल के साथ पंगे लो आप, कैसे बनाओगे प्राइमरी अल्कोहल? देखिए इन सब में जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को आप अप्लाई करोगे, जो रिडक्शन करोगे वो करोगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को अप्लाई करोगे कार्बोनिल कंपाउंड्स पे। कार्बोनिल क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। इन तीनों ही केस में क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। अब इस कार्बन के फोकस करो, दो बॉन्ड तो हो ही चुके हैं, दो रहते हैं, तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अगर आपने कभी प्राइमरी अल्कोहल बनाना है ना, तो 1-1 कर दो, 1-1 जीरो, यानी आप इस पे जीरो अल्काइल ग्रुप लगाओगे। जीरो अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है कि अल्काइल ग्रुप लगेगा ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा। अगर आपको कभी सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो 2-1 कर दो, 2-1 का मतलब क्या है कि एक अल्काइल ग्रुप लगेगा, यह हो गया। टर्शियरी बनाना है तो 3-1 कर दो, यानी दो अल्काइल ग्रुप लगेंगे, यहां पर आप दो अल्काइल ग्रुप लगा दो। आइए मेरी बात समझ में, आपको क्या कहना चाह रहा हूं। प्राइमरी अल्कोहल जब भी बनाना है तो 1-1 यानी जीरो, जीरो अल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी बनाना है तो 2-1 यानी एक अल्काइल ग्रुप। टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो 3-1 यानी टू अल्काइल ग्रुप आपने यहां पे लगा दिए। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्राइमरी का मतलब तो एक कार्बन होता है, एक कार्बन क्यों नहीं लगाया? ग्रिगनार्ड रिएजेंट का भी तो यूज करोगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का भी तो आपने यूज करना है, तो एक तो वही लेके आएगा, एक वो ले आएगा तो प्राइमरी बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा और ये टर्शियरी बन जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी आप इस पर अप्लाई करो ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? CH3MgBr, ये है हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इस पे हल्का सा नेगेटिव है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव है। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो आपको पता है कि इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखिए इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ेगा। देखिए कैसे जुड़ेगा, सी ये H, ये H, ये O, यहां पे क्या जुड़ेगा? CH3 और यहां पे क्या जुड़ेगा भैया? MgBr, MgBr। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं नॉलेज के लिए, अच्छे वाली नॉलेज के लिए, कि क्या होता है। बात ये है सिंपल, यहां से याद रखो, ये कार्बन वाला पोर्शन आप कार्बन से जोड़ देना। अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो कार्बन वाला पोर्शन किससे जोड़ दो? कार्बन से जोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे? हाइड्रेशन करोगे, एसिडिक हाइड्रेशन बोलते हैं इसे हम। इसकी रिएक्शन कराओगे आप H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो H2 किसमें ब्रेक होगा? H में एंड OH में। H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यहां से। तो ये सी एच एच सी एच थ्री, यहां पे क्या आ गया? OH। इस यहां से ये जो H2O टूटा है ना HOH में से, इसके पास आया एच, और ये जो MgBr है इसके पास आया है ये OH। क्लियर हुआ? नहीं भी क्लियर हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल पे फोकस करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में आप लोग रिएक्शन कराओगे CH3MgBr के साथ। अगेन वही बात है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो ये जो कार्बन वाला पोर्शन है, ये कार्बन वाला पोर्शन किससे जुड़ेगा? कार्बन से, कुछ ऐसे CH3 H O, यहां पे जुड़ेगा CH3 और यहां पे जुड़ेगा MgBr। फिर आप इसकी क्या कराओगे? एसिडिक हाइड्रेशन, H पॉजिटिव प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रेशन करोगे। तो यहां से जब मैं इस बॉन्ड को क्लीव करूंगा तो क्या होगा? देखिए C ये है, H ये है, CH3 ये है, CH3
इस O के साथ क्या जुड़ेगा भाई, H जुड़ेगा, और MgBr के साथ क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। Mg के साथ क्या जुड़ेगा, Br के साथ क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। बात क्लियर हो गई, होप की हो गई होगी। अभी टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं, टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं बताओ, तो टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, इसकी रिएक्शन आप कराओगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr के साथ, तो क्या होगा बताइए, वही बात जो इनके साथ हो रही है, CH3 यहां पे क्या लगेगा, CH3 और ये O MgBr। फिर आप लोग इसकी एसिडिक हाइड्रेशन करोगे H2O H पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा CH3 ये OH एंड ये Mg के साथ Br और ये OH। अभी देख लो बन गया कि नहीं बन गया, ये जो आपके पास बना हुआ है फोकस करो, ये जो बना है ये कैसा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कैसा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। मेथड तो हमने सेम ही फॉलो किया, कुछ अलग तो फॉलो नहीं किया इनमें, एक ही बात की है, होप कि समझ में आ गया। जल्दी से इसको भी आप नोट डाउन कर ही लोगे, वैसे मैंने अलग से भी कराए हैं, अगर आप मैकेनिज्म भी देखना चाहते हैं मैकेनिज्म भी करवाया मैंने इनका। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करनी है। एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये है एस्टर, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस करनी है विद NaOH। आप यहां पे NaOH लोगे, NaOH, तो ये जो OH है ना ये इस R के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास R OH और ये R C डबल बॉन्ड O O Na, ये क्या बन गया सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, क्या बोलेंगे इसे, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बोलेंगे। क्लियर होता है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O O, यहां पे हमने ले लिया C2H5 इस R की जगह, R डैश भी हो सकता है कोई चक्कर नहीं है, इसकी रिएक्शन आप करोगे विद NaOH, तो ये अल्कोहल बनाना ना कुछ ऐसे होगा, ये C2H5 इस OH के साथ जुड़ेगा C2H5 OH, एंड यहां पे क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O O Na, क्लियर है, और ये आपने बना लिया क्या, क्या बना दिया, ये आपने बना दिया अल्कोहल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स। जब आप अल्केन्स की हाइड्रेशन करोगे तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है, अल्केन्स की क्या करनी है आप लोगों ने, हाइड्रेशन करनी है, फोकस करना, अल्केन्स की आप लोग क्या करोगे, हाइड्रेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और ये तीनों ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी मैंने विद मैकेनिज्म कर रखे हैं वो आप लोग चेक कर सकते हो। तो देखिए अल्केन्स की हाइड्रेशन आप सिंपल एसिडिक हाइड्रेशन कर सकते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन। नेक्स्ट है इसकी HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है बताऊं मैं आपको, क्लियर। अभी फोकस करो कि जैसे आपके पास अल्कीन है, ये होता है ना अल्कीन, अल्कीन की क्या की आपने, हाइड्रेशन की H2O, और इसको एसिडिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है H2SO4 हो गया, तो क्या होगा प्लस का साइन, इस डबल को तोड़ दो सिंगल में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक के पास H भेज दो एक के पास OH भेज दो। एसिडिक हाइड्रेशन में आप मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करते हो, मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है कई बार बता चुका हूं, नत्थू लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, ठीक है, यही होता है। अब जैसे कि आपके पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2, यहां पे आपने इसकी हाइड्रेशन की और ये हाइड्रेशन है एसिडिक, तो क्या होगा? देखिए क्या बनेगा, CH3CH2। अच्छा देखो, सॉरी यार, वो बच्चों की आवाज आ गई, छोटे छोटे बच्चे थे, डांट के आए अभी उन्हें। ये CH3CH2 हाइड्रेशन की है एसिडिक, तो मार्गोनी को शुरू फॉलो करना है ना। तो देखिए जो कुछ लगेगा यहां पे लगेगा, अब कहां पे क्या लगेगा, नेगेटिव विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रेशन यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसका जो नेगेटिव वो लोअर के पास भेज दो, होता है क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पहली बात तो ये एंटी मार्कोनिकोस रूल फॉलो करते हैं, कौन सा रूल फॉलो करते हैं, एंटी मार्कोनिकोस रूल। हाइड्रोबोरेशन यानी आप इसमें हाइड्रोजन परोक्साइड लोगे, हाइड्रोजन परोक्साइड लोगे एंड बोरेशन बोरेन लोगे BH3 विद THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, क्या टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ। एंड एक और बात जो आपने जरूरी याद रखनी है, ये आपने लेना है विद इन बेसिक मीडियम OH नेगेटिव, ठीक है। चल अभी देखो आप, ये फिक्स है, ये आपने याद रखना है कि हाँ हम ये डालेंगे। अगर ये रिएक्शन एक नंबर में आ जाए, अगर दो तीन नंबर में आ गए, फिर तो आपने मैकेनिज्म के साथ करना है, वो अलग से करवाया हुआ है। तो देखिए जैसे आपके पास कोई अल्कीन है, यही मान लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आपको बोला गया इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो, तो आप क्या डालोगे, BH3 THF H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो क्या होगा, हाइड्रेशन करनी है, पानी डालना है। अब कैसे डालेगा पानी, ये है CH3CH डबल बॉन्ड को सिंगल में तोड़ दो, अब कुछ ना कुछ यहीं पे लगेगा, इन दोनों के पास किसके पास क्या लगे, एंटी मार्कोनिकोस रूल है ना, तो नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन। जैसे इसमें नेगेटिव कहां जाता है, लोअर हाइड्रोजन के पास जाता है, उसमें नेगेटिव कहां जाएगा, हायर के पास जाएगा, हायर यानी OH आएगा यहां पे, H आएगा यहां पे। नेक्स्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, देखिए क्या होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए याद रखिए आपने क्या क्या डालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मर्क्यूरिक एसिटेट क्या होता है, HG CH3 CWO2, ठीक है, ये है। इसके बाद इसके साथ THF, ये है ये दोनों में, एंड नेक्स्ट जो है NaBH4, ये होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए। क्या होगा देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी कर दो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो सब कुछ डालोगे HG CH3 CWO2, एंड ये जो मर्क्यूरिक एसिटेट है ये आपको कई बार ऐसे भी लिखा मिलता है HGOAC2, समझ जाना, कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं पे आपको HGOAC2 लगा है तो इसका मतलब यही है, ये है विद THF एंड यहाँ पे NaBH4। अच्छा यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो किया जाता है ये बताता चलूं, यहाँ पे मार्कोनिकोस रूल फॉलो होता है। जितनी भी हाइड्रेशन है इनमें सिर्फ एक में ही क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोस रूल फॉलो होता है। अच्छा इसको ऊपर प्रभाव भी क्या ज्यादा नीचे हो जाएगा, चलिए यहां कर देते हैं। ये है CH3CH CH2, नेगेटिव विल गोज टू लोअर ना, मार्कोनिकोस रूल है तो नेगेटिव लोअर के पास जाएगा, अल्कोहल बन गया। तो ये है हाइड्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन बन सकता है तो इनसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि बने। ये नए रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपने अल्कीन्स लेना है, एसिडिक में आपको ये याद होना चाहिए रिएजेंट क्या क्या है, H2O विद H2SO4, इसमें रिएजेंट क्या है, HBO में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में BH3 THF H2O2 OH नेगेटिव। अच्छा कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो B2H6 देखा है, बिल्कुल B2H6 होता है, डाइबोरेन ही स्टेबल फॉर्म है, बट अगर आपने THF डाल दिया देन BH3 एग्जिस्ट कर सकता है। अगली बात है OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरिक एसिडेट THF एंड NaBH4, सिर्फ एक है जो इनमें उल्टी चलती है वो है HBO जो एंटी मार्कोनिकोस रूल को फॉलो करती है, बाकी दोनों किसको फॉलो करती है, मार्कोनिकोस रूल को फॉलो करती है। ओके हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
नेक्स्ट इज फ्रॉम एलिफैटिक प्राइमरी अमाइस, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइस, अमाइंस क्या है आपके पास होते हैं राइट, ये है अमाइंस, ये थ्री एन एच टू, इसकी रिएक्शन आप कराओगे नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड क्या होता है एच ओ एन ओ, एच ओ एन ओ, आप इसको एच एन ओ टू भी लिख सकते हो ठीक है। तो क्या होगा ये लगा दो यहां पे, कुछ ऐसे लगा दो एच ओ एन ओ, तो ये तो इसके साथ जोड़ दो इसको, क्या बन गया सी एच थ्री ओ एच, ये आपस में जोड़ दो क्या बन गया एन टू बन गया, और ये क्या बन गया इधर, ये आपका बन गया भाई एच टू ओ बन गया, क्लियर होती है बात, यानी एक एग्जांपल और देखें, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपके पास दूसरा कोई माइन है सी टू एच फाइव एन एच टू, ये प्राइमरी माइन है आपके पास, एंड इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे नाइट्रस एसिड के साथ एच ओ एन ओ के साथ, तो ले आओ इसे एच ओ एन ओ, ये आपस में जुड़ेंगे क्या बनेगा सी टू एच फाइव ओ एच, ये क्या बनेगा ये बनेगा एन टू, और ये क्या बन जाएगा साथ में आपका एच टू ओ। तो यही सारे तरीके हैं जो बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे किसके, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के। चाहूंगा जब आपको नोट्स बनाओ ना एक रिवीजन का भी बनाया करो, दो पेज रिवीजन में भाई कौन कौन से टॉपिक स्पीडली, तो ये हाँ भाई इससे ऐसे ऐसे बनाने, क्लियर है ओके आगे बढ़ते हैं।